और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, नीट पेपर लीक जुड़े मामले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई की पूछताछ में आरोपियों के खोले कई आरोपियों ने कई राज खोले हैं। संजीव मुखिया के काले साम्राज्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीबीआई लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस दौरान आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। किसी फर्म की तरफ पेपर लीक का नेटवर्क चलता है और संजीव मुखिया के इशारे पर काम करता है पूरा नेटवर्क। संजीव मुखिया ने अपने नेटवर्क में लड़कों को सैलरी पर रखा हुआ था। नालंदा और पटना में संजीव मुखिया के तकरीबन 30 पेड कर्मचारी बेरोजगार भरोसेमंद युवकों को अपने नेटवर्क में जोड़ लेता था संजीव मुखिया। यूपी, एमपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में संजीव मुखिया के कनेक्ट और 6 राज्यों में सीबीआई की टीम भी पेपर लीक पूरे मामले का जांच कर रही है। और इस बीच सीबीआई लगातार एक्शन मूड में नजर आ रही है और संजीव मुखिया को लेकर भी लगातार सीबीआई जो है वह कई चौंकाने वाले खुलासे भी कर रही है। इस दौरान सीबीआई की पूछताछ में आरोपियों ने कई राज खोले हैं। इस दौरान संजीव मुखिया के काले साम्राज्य को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल किसी फॉर्म की तरह पेपर लीक का नेटवर्क पूरा चलाता है संजीव मुखिया और संजीव मुखिया के इशारे पर ही यह पूरा नेटवर्क जो है वह काम करता है। संजीव मुखिया ने अपने नेटवर्क में लड़कों को सैलरी पर रखा हुआ था। बता दें आपको, नालंदा और पटना में संजीव मुखिया के तकरीबन 30 पेड कर्मचारी हैं और बेरोजगार भरोसेमंद युवकों को संजीव मुखिया अपने नेटवर्क से जोड़ता था। और संजीव मुखिया यूपी, एमपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में कई लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। चलिए रुक करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, नीट पेपर लीक में लगातार सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं संजीव मुखिया को लेकर और आरोपियों से पूछताछ में, और क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ खुलासा हुआ है उत्कर्ष? और बिल्कुल लेना, देखिए लगातार जिस तरीके से सीबीआई की बंदिश कह सकते हैं संजीव मुखिया की तरफ बढ़ती जा रही है, उतने ही ज्यादा खुलासे जो है वो लगातार हो रहे हैं। देखिए अब संजीव मुखिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक प्राइवेट फर्म की तरह ये पूरा कार्य जो है वो संजीव मुखिया करता था। संजीव मुखिया ने करीब 30 से ज्यादा ऐसे लोगों को कार्य पर रखा था जिसे वो सैलरी तक देता था। यानी कि यूं कह लें कि ये पूरा सॉल्वर गैंग जो है वो एक फर्म की तरह चलता था, जहां पर संजीव मुखिया कई लोगों को तनख्वाह भी देता था। और संजीव मुखिया के कह सकते कि नालंदा से लेकर समस्तीपुर, पटना में करीब 30 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो सैलरी पर काम करते थे। खासकर संजीव मुखिया उन्हीं लोगों को टारगेट करता था जो बेरोजगार हैं, जो कैदी रहे हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे रहे हैं। ऐसे लोगों को खासकर संजीव मुखिया जो है परगना सरगना देता था, उनको अपने साथ रखता था। और इनका कनेक्शन कई राज्यों से है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, कई राज्यों में कह सकते हैं कि संजीव मुखिया का कनेक्शन है। अब इसके धरपकड़ को लेकर लगातार सीबीआई की टीम जो है वो अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। 5 तारीख को सुनवाई भी होनी है। नो कोरसिव एक्ट के तहत संजीव मुखिया का जो एक्ट है वो खत्म कराया जाएगा और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक पूरा फर्म जो है वो सरगना संजीव मुखिया चला रहा था और संजीव मुखिया काफी शातिर अपराधी माना जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में अब देखना होगा कि संजीव मुखिया तक सीबीआई कब तक पहुंचती है और क्या कुछ आगे पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।